हेलो गेमर्स, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। और अगर बढ़िया नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों का हाल चाल पक्का बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ आपका और हमारा फेवरेट गेम फ्री फायर के बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट। जैसे कि आज हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में, अपकमिंग समर इवेंट के बारे में जो कि हमारे गेम में आने वाला है, उसी के साथ कुछ बंडल और भी बहुत सारा जो आने वाले टाइम में हमारे फ्री फायर में आएगा उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ हमारे चैनल के बारे में, कि हमारा चैनल किस रिलेटेड है और आने वाले टाइम में कैसा कंटेंट अपलोड किया जाएगा। तो थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमारे चैनल में फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा। हाँ, ये बात सही है, हमारे चैनल में फ्री फायर के जो भी न्यूज़ एंड अपडेट आते हैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करता जाएगा, हम और भी बहुत कुछ हमारे चैनल में ट्राई करेंगे। और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और उसी के साथ मेरे सारे सोशल मीडियाज़ का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के, उस वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर लेना। उसी के साथ डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक है, वहाँ पे तो पक्का ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में है बहुत सारा फीचर्स, जैसे कि अगर आप अपने दोस्तों को अपने लिंक के थ्रू हमारे सर्वर में इनवाइट करते हैं उसके बदले हम आपको पे करेंगे कुछ रिवार्ड। वो कुछ भी हो सकता है, पेटीएम कैश, गूगल पे रिडीम कोड, कुछ भी हो सकता है, जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। उसी के साथ हर संडे को हमारे कस्टम खेला जाएगा हमारे सर्वर में, तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और विनर बनते हैं तो जो भी प्राइज रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो डिस्कॉर्ड सर्वर को पक्का ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे एक इवेंट के बारे में जो रशिया के सर्वर में आया हुआ है। फिलहाल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक इवेंट जो फेडेड व्हील जो रशिया के सर्वर में आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मास्क दिया गया है, पैरासूट दिया गया है, एक इमोट, एक पैंट दिया गया है और शर्ट और भी बहुत कुछ, एक चप्पल दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा भी इवेंट हमारे सर्वर में देखने को मिले। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इवेंट के बारे में जो कि आया हुआ है थाईलैंड के सर्वर में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जहाँ पे डाला गया है मनी हिस्ट का फीमेल का जो बंडल है वो डाला गया है, और इसमें कुछ खास नहीं है, फिलहाल तो यही है जो थाईलैंड के सर्वर में आया हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे सर्वर में भी आए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या निकल कर। नेक्स्ट अपडेट भी है एक इवेंट के बारे में जो कि थाईलैंड के ही सर्वर में आया हुआ है, और ये इवेंट बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल से अच्छा इवेंट, जहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब सब ये जो फेडेड व्हील है इसमें सब कुछ ड्रेस डाला गया है, कुछ मिस्ट्री शॉप का है, कुछ लाइट पास का है और भी कुछ डायमंड रॉयल का है, गोल्ड रॉयल का ड्रेस वगैरह जो है इसमें डाला गया है। यहाँ से आप दोनों को पहले रिमूव करना पड़ेगा और बाकी आप इसको स्पिन करके ले सकते हैं। हाँ, इवेंट अच्छा है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में आए, क्योंकि बहुत सारे सर्वर में इवेंट आ चुका है और फिलहाल आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे सर्वर में भी ऐसा कोई इवेंट देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फेडल व्हील के बारे में जो कि है लैटाम के सर्वर में। आप देख रहे हैं बनी का जो बंडल है और उसी के साथ इमोट है, एक टुक टुक का स्किन है, एक पैरासूट है जो कि एक फेडेड व्हील के इवेंट में आया हुआ है। तो हाँ, हो सकता है हमारे सर्वर में भी ऐसा कोई इवेंट अचानक चले आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक इवेंट के बारे में। पहले आप सारे इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर दूसरा कोई चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये इवेंट वियतनाम के सर्वर में, इवेंट बोल रहा हूँ, फेडेड व्हील वियतनाम के सर्वर में आया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड शिवा का जो ग्लोबल है वो है, कटाना का स्किन है, बहुत सारे पैन का स्किन है, कार का स्किन है। तो ऐसा कुछ आया हुआ है, तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में हमारे सर्वर में भी ऐसा कोई इवेंट देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इवेंट के बारे में जो कि किसी एक सर्वर में आया है, फिलहाल तो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन कलेक्ट है, मतलब कोई मिशन वगैरह होगा, उसका तो फोटो मुझे नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं रिवार्ड का मिल गया, तो आप देख सकते हैं कुछ टोकन है, और टोकन आपको पहले मिशन कंप्लीट करके कलेक्ट करना पड़ेगा,
और कलेक्ट करने के बाद उसको आप एक्सचेंज कर पाएंगे। और एक्सचेंज में कुछ ड्रेस, कुछ नहीं बहुत सारा ड्रेस आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा 5 ड्रेस दिख रहा है। तो हाँ, ऐसा इवेंट भी हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे सर्वर में भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फेमस का कुछ लेजेसी स्किन के बारे में, जो कि पहले आया था हमारे गेम में और अभी रिटर्न में आया हो, मतलब हमारे सर्वर में कंफर्म नहीं कि आएगा, लेकिन बाहर के एक सर्वर में कंफर्म हो चुका है आएगा। तो हो सकता है क्या एक सर्वर में दिया हुआ है, मतलब धीरे धीरे करके सभी सर्वर में लगभग शायद से दे देगा, तो वेट कीजिए, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनी इनक्यूबेटर के बारे में, वो भी रिटर्न में आ रहा है बाहर के एक सर्वर में, पोस्टर रिलीज कर दिया गया है अब देख सकते हैं। तो ये इवेंट आया हुआ है जहाँ पे अब ले सकते हैं बनी का इनक्यूबेटर का ड्रेस। तो हो सकता है आने वाला टाइम में, हो सकता है क्या पकड़ लो, कंफर्म ही है, मतलब आज या कल नहीं। फ्री फायर क्या कर रहा है आप लोगों को तो पता ही है, जो पुराने जो बंडल थे वो किसी किसी सर्वर में रिटर्न में दे रहा है। तो वेट कीजिए, आने वाले टाइम में पक्का तो हमारे सर्वर में भी एक दिन ना एक दिन तो पक्का दिख जाएगा रिटर्न में। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है एक सर्फ बोर्ड की स्किन के बारे में, जो आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो हाँ, ये बाहर के एक सर्वर में बताया जा रहा है कि कल को आएगा एक इवेंट में, जहाँ आपको 80 रुपये, मतलब 100 डायमंड टॉप अप करने पे आपको ये मिल जाएगा। तो हो सकता है आने वाले नेक्स्ट टॉप अप इवेंट या फिर आने वाले टॉप अप इवेंट में ये वाला स्क्रीन आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पैच अपडेट को OB27, इसका डेट कंफर्म हो चुका है, 14 तारीख को हमारा सर्वर बंद रहेगा मेंटेनेंस के लिए, और उसी दिन OB27 का अपडेट आएगा। आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे होंगे पोस्टर में बहुत सारे जो पुराने हमारे कैरेक्टर हैं उन लोगों का फोटो दिया गया है, मतलब इस चीज़ से तो एक बात क्लियर है कि इसके साथ कुछ, मतलब ये जो कैरेक्टर है इनके साथ कुछ किया गया है। और जैसे एडवांस सर्वर जो आया था हमारा, आज तो क्लोज हो गया है एडवांस सर्वर, उससे पता चल रहा है कि पुराने जो कैरेक्टर है उनको बहुत बूस्ट किया गया है, क्योंकि जो है ऑलोक है, क्रोनो, जो 2-3 एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर है, सभी लोग ये वाले कैरेक्टर के ही गेम प्ले करते हैं, और ये जो और बाकी जो पैसिव स्किल वाले कैरेक्टर है वो कोई नहीं यूज़ करता। तो इसीलिए शायद से इन कैरेक्टर को फ्री फायर ने बूस्ट किया है। तो देखते हैं OB27 के बाद कि कौन सा कैरेक्टर कैसा बन के आया है बूस्ट के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक इवेंट के बारे में, जो है समर स्पिन इवेंट। ये आया है बाहर के एक सर्वर में, जहाँ पे देख सकते हैं रेयर, जो हमारे यहाँ पे रेयर माना जाता है एंजेलिक पैंट, और उसका फुल बंडल आपको दिया गया है एक समर स्पिन, जहाँ पे आपको स्पेशल पिन देखने को मिलता है 40 का और फर्स्ट पिन मिलता है 25 का। तो हाँ, ऐसा भी इवेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा इवेंट नहीं किसी और इवेंट में भी शायद हो सकता है कि एंजेलिक पैंट हमारे इंडिया में रिटर्न दे दे फ्री फायर गारेना। नेक्स्ट बात करेंगे हम और एक इवेंट के बारे में, जो कि एक बाहर के सर्वर में आया हुआ है, आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे कंफर्म है कि आपको 81% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अप टू 81%। जो फर्स्ट रो आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, आप इसको तीनों जो रो है, तीन रो से किसी एक एक को लेना होगा आपको, तीन लेने के बाद आपको अप टू 81% मिल सकते हैं, मतलब 81 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, पर उससे कम भी हो सकता है, जैसा आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में भी, मतलब हमारे सर्वर में भी ऐसा कोई इवेंट देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक फेडेड व्हील के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ब्लू फ्लेम ड्रैग को एक उसमें डाला गया है, इससे पहले भी एक सर्वर में आया था और इस सेकेंड किसी और सर्वर में आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांस है आने वाले कुछ दिनों में, मतलब कुछ मंथ या कुछ दिनों में हमारे सर्वर में भी रिटर्न में देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे सर्वर में आ रहा है धीरे धीरे करके, तो हो सकता है हमारे सर्वर में भी किसी दिन आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक चीज़ के बारे में, जो OB27 अपडेट के बाद हमारे सर्वर में, मतलब हमारे गेम में ऐड किया जाएगा। आप देख सकते हैं स्काईविंग, आपका इसका फोटो आप लोग देख सकते हैं, स्काईविंग मतलब अब जो रैंक या फिर क्लासिक में जो आप प्लेन से लैंड करते हैं, मतलब प्लेन से लैंड करने के बाद पहले सर्फ बोर्ड और उसके बाद पैराशूट से जो लैंडिंग करते हैं, उसके बदले में यहाँ पे स्काईविंग आ गया, एक छोटा सा प्लेन आप इसको कह सकते हैं, उसी के तरह कुछ दिखता है। तो हाँ, इसके साथ आप लैंड करेंगे OB27 अपडेट के बाद, तो OB27 अपडेट आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है एक फिस्ट के स्किन से, मतलब अपडेट नहीं, ये अपडेट तो पहले ही आ चुका था, लेकिन इसका फोटो मिला था सिर्फ, इसका कोई वीडियो नहीं मिला था। तो फिलहाल हमको एक वीडियो मिल गया, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये जो OB27 अपडेट आने के बाद हमारे गेम में एक नया फिस्ट का स्किन आने वाला है, तो उसका वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो हाँ, ये वाला जो फिस्ट का स्किन है हमारे गेम में
OB27 अपडेट के बाद आने वाला है। देखते हैं कौन सी इवेंट में किया जाता है और कितने डायमंड में निकलता है। और आज का जो लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो हमारा, आप फिलहाल तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक पोस्टर, तो बताइए दोस्तों इस पोस्टर क्या है, शायद सब लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि किस चीज़ का पोस्टर है। तो ये हमारा जो नया कैरेक्टर आने वाला है MR1, जो कि आप लोगों को शायद से पता होगा कि हमारे एक कैरेक्टर आया जिसका नाम MR1 एडवांस हार्डवेयर में भी आया हुआ था और OB27 अपडेट के बाद हमारे गेम में ऐड हो जाएगा, जो कि एक इजिप्टियन एक्टर है और उसके साथ कोलैब किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है समथिंग इज बिग, तो हो सकता है जो 14 अप्रैल का डेट दिया गया है तो मतलब OB27 अपडेट के तुरंत बाद ही हमको एक गेम में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है बहुत कुछ रिवॉर्ड इसमें रहे और बहुत बड़ा कोलैब हो और भी बहुत कुछ कैरेक्टर के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिले कैरेक्टर से रिलेटेड, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।